पोकेमोन के गेम्स चाहिए। हाँ। साथ में एस की जर्नी भी। हाँ। वो भी बहुत कम साइज में। हाँ भाई हाँ। Hey guys, welcome back to an other video and आज के इस वीडियो में तुम लोग को मिलेंगे पांच ऐसे गेम्स जिसमें भाई तुम लोग यार एस की स्टोरी मतलब यार एस की स्टोरी लाइन प्ले कर सकते हो एंड भाई लिटरली भाई ये पांचों गेम्स एक एस लवर या फिर कोई पोकेमोन लवर जो कांटो के एडवेंचर को पसंद करता हो उसको पसंद आने वाले। अब देखो यार आज तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें भाई पांच गेम्स ऐसे बताए हो जो भाई एस की जर्नी को रिप्रेजेंट करते हो, बट आज मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ एंड मैंने सोचा संडे भी है तो चलो एस के ऊपर एक वीडियो बना देते। वैसे भी अब एस जाने वाला है तो मे भी शायद यार ये गेम्स कुछ पुराने बंदे हैं उनको पसंद आए एंड इनमें से कुछ गेम्स तुमने नहीं प्ले किए होंगे एंड कुछ गेम्स तो बिल्कुल लेटेस्ट है। भाई मैं खुद भी शौक हो गया उनके बारे में जान के कि भाई इतने अच्छे गेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड इफ़ यू आर ऐसा लौंडा जिसको भाई बहुत सारे ऐसे गेम्स चाहिए जो हाई ग्राफिक एंड अलग अलग टाइप की गेम्स चाहिए तो हम लोग की 100 गेम्स वाली वीडियो चेक कर लो भाई, उसमें सभी गेम का जुगाड़ एंड सब कुछ मिल चुका है। एंड भाई एस की जर्नी भले ख़त्म हो चुकी हो बट उसके गेम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए एंड अगर तुम एक एस सपोर्टर हो तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग एस कर दो। वैसे अब पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन में एस आएगा कि नहीं, कहीं पर तो दिखेगा शायद, वो तो इन फ्यूचर पता चलेगा। एंड चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। शुरुआत होती है सबसे पहले सबसे गजब गेम से पोकेमोन एनिल करके एंड भाई ये गेम इतना गजब है ना भाई, मैंने जब इसको लिटरली मेरे को इसके बारे में पोके शोज ने जब बताया तब पता चला भाई। देखो इसका गेम प्ले तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भाई साहब, मतलब कितना गजब सा गेम है जिसमें तुम लोग को मिलने वाला है कांटो का एडवेंचर एंड जेन 1 से जेन 9 तक के सारे पोकेमोन्स। भाई तुम लोग समझ रहे हो जेन 9 भी इसमें एडेड है एंड भाई गेम तो एकदम ऑसम है एंड देखने से तो भाई देखने से ही पता चल रहा है कितना ज़्यादा जोरदार है। अब देखो इसमें ये सीन है कि तीन पोकेमोन साइड में जो कि अपने कांटो के स्टार्टर्स हैं एंड एक साइड में पिकाचू है, जो अगर तुम लोग को पिकाचू लेना है तो पिकाचू ले सकते हो या फिर स्टार्टर्स में से सिलेक्ट कर सकते हो, बट ज़्यादातर बंदे मुझे पता है पिकाचू लेंगे क्योंकि भाई एस की जर्नी है ना, एस की जर्नी को एस की तरह ही खेलने में मज़ा आता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन देन गो फॉर इट। ये वो करता है जॉय प्ले एमुलेट में, कमेंट बॉक्स में जुगाड़ है। तो नेक्स्ट गेम की बात करें वो है पोकेमोन सिल्वर येलो एंड ये एक NDS एमुलेटर मींस ड्रास्टिक एमुलेटर का गेम है एंड ये गेम भाई लिटरली मस्त है क्योंकि भाई इस गेम को मैंने लगभग 6 महीने पहले एक बार बताया था बट उस टाइम पे इतना मैंने तुम लोग को रिकमेंड नहीं किया था, बट अब रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसके बाद ही जैसे मैंने इस गेम को तुम लोग को रिकमेंड किया उसके बाद ही मैंने इस गेम को प्ले किया। लिटरली भाई कांटो का पूरा एडवेंचर इस गेम में तुम लोग को अच्छे से देखने को मिलता है, प्लस एस की स्टोरी एंड ब्रॉक एंड मिस्टी बाकी सब लोग देखने को मिलते हैं इस गेम में एंड भाई लिटरली कहूँ भाई ये गेम एक बेस्ट चॉइस है अगर तुम प्ले करना चाहो देन गो फॉर इट। नेक्स्ट गेम इज़ पोकेमोन इंडिगो लीग एंड ये गेम भी मैंने लगभग 5 से 6 दिन पहले बताया था एंड वो वीडियो भी अभी भी अवेलेबल है चैनल पे, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है वो एंड देन अगर तुम लोग को डेडिकेटेड वीडियो चेक नहीं करनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी तुम लोग को सारे जुगाड़ मिल जाएंगे गेम्स के, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ भाई इस गेम में तो भाई मतलब इस गेम को तो बनाया उसी तरह से गया है, लाइक इसमें पूरा एक एक चीज़ तुम्हें नोटिसेबल दिखेगी, लाइक देख लो तुम लोग इंडिगो लीग की मतलब हर एक चीज़ वो गैरी कार लेके आता है एंड देन एस को जलाता है वो वाला सीन एंड एस और गैरी थोड़े ऐसे होते सीन एंड पिकाचू भाई झटका देता है वो वाला सीन भी इसमें है भाई, मतलब हर एक चीज़ इस गेम में अवेलेबल है एस की जर्नी के साथ एंड इफ़ तुम लोग यार अपने बचपन को याद करना चाहते हो तो इस गेम को ज़रूर ट्राई करो, ये भी जॉय प्ले में वर्क करता है एंड एक बेस्ट चॉइस है पोकेमोन लवर के लिए। अब अगले दो गेम बचे हुए जो कि भाई मुझे लगता है सबको पता होंगे, मैंने लेटेस्ट वाले गेम्स तो तुम लोग को बताई दिए है, तुम उनमें से ट्राई कर सकते हो, बट अगर ये दो गेम भी तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूँ। फर्स्ट वन इज़ पोकेमोन एश ग्रे, भाई लिटरली भाई ये गेम बहुत मस्त है एंड मैंने इसको कम्प्लीट कर रखा है और तो और मैंने इसके ऊपर सीरीज़ भी बनाई थी जो कि 9 एपिसोड या 10 एपिसोड तक चली थी एंड भाई लिटरली बहुत मस्त गेम है, तुम्हें इसमें कांटो का पूरा एडवेंचर एंड इसमें भी सेम टू सेम ही अभी इंडिगो प्लेटिव गेम बताया उसी टाइप से हर एक चीज़ तुम लोग को पोकेमोन के एडवेंचर मतलब एस के एडवेंचर वाली देखने को मिलेगी, तो इन दोनों में से कोई भी गेम ट्राई कर सकते हो। वैसे इंडिगो वाला शायद कम्प्लीटेड नहीं है तो इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यह कम्प्लीटेड है, इसमें ऑरेंज लीग का भी तुम लोग को एडवेंचर देखने को मिलेगा। अब फाइनल वन इज़ यार जो कि भाई यार सब पोकेमोन लवर्स को पसंद आएगा ही, जो कि भाई एस की पूरी जर्नी को कम्प्लीट करता है, वो गेम है पोकेमोन फायर एस जिसमें भाई जेन 8 तक ऐड हो चुका है एंड भाई तुम लोग यार स्वॉर्ड एंड शील्ड तक गेम प्ले कर सकते हो, लाइक कांटो से के भाई
स्वॉर्ड एंड शील्ड का, गैलार का एडवेंचर तुम लोग इसमें प्ले कर सकते हो। लिटरली भाई ये गेम एक ऐसे बंदे के लिए है जो भाई स्टार्टिंग से एंड तक पूरे गेम को एस की जर्नी के थ्रू खेलना चाहता है, एंड भाई जो भाई एक एक्सपीरियंस लेना चाहता है एस की जर्नी का, वो इसे ट्राई कर सकता है। मेरा एक दोस्त है भाई, उसने इस गेम को भाई 4 से 5 बार कंप्लीट किया है भाई। और तो और ये गेम भाई एक परफेक्ट चॉइस है भाई, सच बताऊँ तो। अगर तुम्हें इसे ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में जुगाड़ मिल जाएगा सब गेम्स का, एंड तुम लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हो। बस देखो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप तुम लोग यार संडे वीडियो को पसंद किए होंगे या फिर पता नहीं किए होंगे, बट लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हर एक गेम को फाइंड करने में थोड़ा मेहनत लगा है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।